नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क पर दोपहर बुलेटिन। दोपहर बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उत्रौला उदय राज सिंह के पर्यवेक्षण में व उप जिला मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ओझा व प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर ब्रिजानंद सिंह के नेतृत्व में दिनांक 4 जनवरी 2023 को जनपद बलरामपुर में भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के न्यायालय के वार्ड संख्या 385/2020 व बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत दिनांक 16 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वशून्य अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम ऐरौली थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर व उसके परिजनों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति स्थित ग्राम सादुल्ला नगर कम्मरपुर तथा ग्राम मनुवागा व उत्रौला की कुल 7 संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जब्त कुर्क किया गया। जनपद के टॉप 10 माफियाओं में से चिन्हित कुख्यात माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ऐरौली सादुल्ला नगर के आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए अर्जित की गई शेष संपत्तियों में से आज जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मुकदमा अपराध संख्या 156/20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत हुए आदेश के क्रम में कुल 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की गई हैं, जिनमें ग्राम सादुल्ला नगर, ग्राम कम्मरपुर, ग्राम जुनेदपुर एवं ग्राम मनुआगढ़ में स्थित संक्रमणीय कृषि भूमि, ग्राम सादुल्ला नगर में संचालित आरा मशीन एवं ग्राम जुनेदपुर में संचालित पेट्रोल पंप शामिल हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 11.5 करोड़ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।